गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पार्ट 10 ता के वीडियो भाग 3 में सबसे पहले गैसों में था, फिर वायुमंडलीय था, इसके बाद आप सभी को अलग-अलग उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप सभी को वीडियो भाग 2 में तरल पदार्थ में दाब, द्रवों में दाब तथा द्रवों में दाब को मापना के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आज जो आपका टॉपिक है बच्चों, गैसों में दाब। बच्चों, द्रवों की तरह गैस भी जो है चारों तरफ से दाब डालते हैं। बच्चों, इसका आप छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप जो है बचपन में या अभी भी बैलून को फुलाते हैं, फुलाने के बाद आप या तो उसके मुंह को बांध देते हैं या उसे जो है लपेट कर हाथ से पकड़े रहते हैं, ठीक। लेकिन जब हल्का से हाथ को या उसके मुंह को ढीला करते होंगे तो उसमें से वायु निकलती हुई जो है महसूस करते होंगे। आप देखेंगे जो गैस होता है, मान लीजिए आपका ये बैलून है बच्चों, क्या है बैलून है, ठीक। अब इसमें जो है गैस भरा हुआ है, ठीक, और यह गैस जो है क्या है इसके जो है चारों तरफ, ठीक, दाब डालती है, मतलब द्रव की तरह जो है गैस भी बेटा क्या है चारों ओर दाब डालती है। तो आपको इससे सिद्ध हो जाता है बेटा कि गैस भी जो है चारों ओर जो है दाब डालती है। तो देखे होंगे बेटा वायुमंडल जो हमारे चारों है वो भी जो है हमारे शरीर पर चारों ओर से दाब डालती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। कि बच्चों, आप देखे होंगे वायुमंडल में जो 78% जो है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी से होता 78% आपका नाइट्रोजन है N2, और आपका ऑक्सीजन जो है आपका 21% है। इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 0.03% है। तो बच्चों, सबसे हल्की जो गैस होती है वह आपका हाइड्रोजन गैस होती है। तो यही बता रहे थे बेटा आपको, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वायुमंडलीय दाब, ठीक। वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो हमारे ऊपर वायु के कणों के भार के द्वारा दाब डालता है। लेकिन बेटा जो वायु के कण हैं वे क्या है अदृश्य हैं, क्या है अदृश्य है, परंतु उनमें भी भाग होता है, वायु के कणों में बेटा भाग होता है। आपको बता चुका हूँ कि आप एक ट्यूब ले लीजिए ना खाली, और उसमें वायु को भर करके वेट करिए तो आपको कुछ वजन महसूस होता है। इससे सिद्ध होता है वायु में भी भाग होता है। तो बच्चों, अब आपका जो है एक एग्जाम्पल और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एक गिलास ले लीजिए, पहले ले गिलास ले लीजिए, ठीक बच्चों, आप इसके ऊपर जो है एक जो है कार्ड रख दीजिए और गिलास में क्या है एकदम फुल जो है पानी से भर देते हैं, मतलब गिलास को पानी से एकदम भर देते हैं, उसे खाली नहीं रखना है, ठीक बेटा। अब उसको धीरे से जो है हाथ का सहारा लेकर उस गिलास को पलट दीजिए, ठीक। फिर आप नीचे से हाथ को खिसका लीजिए तो आप देखते हैं जो दफ्ती होता है वह नहीं गिरता है, और जो गिलास में पानी भरा है वह क्या है वायुदाब के कारण जो है गिलास से नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि बेटा वायुमंडलीय दाब जो होता है वह चारों ओर से पड़ता है। तो आपका ये दाब बेटा क्या नीचे से जो है ऊपर की ओर लग रहा है, जिससे क्या यह दफ्ती जो है नीचे की ओर नहीं गिर सकती है और यह पानी जो
गिलास में भरा हुआ नहीं गिरता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वायुमंडल दाब रखता व चार ओर से लगता है। ठीक, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मतलब उत्तरी प्रश्न का जो पहला प्रश्न है जो दाब से आप क्या समझते हो बच्चों, इसकी परिभाषा है प्रत इकाई क्षेत्रफल कार्य करने वाले दाब बल को दाब कहते हैं। तो आपको बताया घंटा कि आप एक जो है रॉड को दीवार में धसाइए और एक जो है कील को धसाइए, तो उसमें से कौन सा जो है आसानी के साथ धसेगा बेटा, इसके कई एग्जाम्पल दे करके मैंने बताया था। तो जो कील होता है उसका जो अगला भाग होता है बच्चों वह नुकीला होता है, जब नुकीला होता है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है कम हो जाता है, जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। यही कारण है कि जो रॉड है वह आसानी से नहीं धसता है कील की अपेक्षा, और कील क्या है बच्चों वह आसानी के साथ जो है दीवार में धस जाती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल ये थे, धारदार चाकू से सब्जी काटना आसान होता है, बैग की पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती हैं। ठीक, ऐसे जो है दैनिक उपयोगी जो है उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। तो दूसरा जो प्रश्न है आपका दाब का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, आप इसका उत्तर है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। बेटा एक मात्रक और है दाब का जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एसआई मात्रक पूछा है इसलिए यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ही लिखेंगे। ठीक, अब आता है तरल क्या है बच्चों, तरल के बारे में बताए थे द्रव और गैस ये दोनों बेटा तरल पदार्थ होते हैं, मतलब जो आसानी से बह जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों तरल ही पदार्थ कहते हैं। तो तरल क्या है जो पदार्थ बेटा आसानी से बह जाते हैं वे तरल कहलाते हैं बच्चों। अब आता है प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या चार बेटा वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। अभी मैं आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ाया हूँ कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं बेटा, उसका उत्तर है वायु की परत द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बच्चों आपके इस वीडियो में आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जो है लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे, और बच्चों आप जो है इस वीडियो से जो है मतलब उत्तरी प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो टॉपिक जो है अगर आपको समझ में नहीं आया हो आप जो है डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक, या हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक को फिर से आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।